One eternity later. हाँ जी, क्या हाल चाल? आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं जाऊंगा फरीदकोट बाबा फरीद जी के, क्योंकि आज है वीरवार और मैं हर वीरवार को वहां पे जाता हूँ। तो जल्दी से मैं रेडी होता हूँ और चलते हैं बाबा फरीद जी के। तो मिलते हैं जल्दी। हाँ जी, रेडी हो चुका हूँ, तो चलो चलते हैं। बस में जाएंगे, पहले मैं सोच रहा था कि बाइक पे चलते हैं, पर बाइक पे फिर मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, तो बस में चलते हैं। आपको मेरे हर व्लॉग में रेलवे स्टेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा जो घर है वो मेन सिटी से काफ़ी साइड में रह जाता है, तो कहीं भी जाना होता है ना तो मुझे वो रेलवे स्टेशन क्रॉस करना ही पड़ता है। अभी जैसे मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ, बस स्टैंड भी उस साइड है, तो मुझे फिर से रेलवे स्टेशन क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। हेलो, सब्सक्राइब कर दियो। अगर अभी से यही हाल है तो आगे जाके पता नहीं क्या ही होगा। ऑलमोस्ट हर व्लॉग में आपको ये रेलवे स्टेशन और ये पुल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मुश्किल है ये पुल चढ़ना। पहले चढ़ो फिर उतरो, साली आधी जिंदगी तो उतरने चढ़ने में निकल जाएगी। आज अपने को जाना है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड है सारी सब्जी मंडी है, लेफ्ट साइड सारी। पीछे फ्लाईओवर देख रहे हो, ये मेरे घर वाली रोड को और जो मेन सिटी को लिंक करता है, कनेक्ट करता है। जाने के तो मैं इसके ऊपर से भी जा सकता था, पर वो पौड़िए वाले पुल चढ़ने में ही अगर इतना बुरा हाल हो गया तो इस पर तो आप समझ सकते हो, इसलिए मैं इस पर से नहीं आया, दूसरे पुल से आया। बोलो भैया, उम्र हो गई है। वो सामने देख रहे हो वो है रेड लाइट चौक, जहाँ से मुझे बस लेनी है। इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बस स्टैंड भी आ जाता है, बट हमें यहीं से ही बस मिल जाएगी। जी तो भैया, बस स्टैंड मैं पहुँच चुका हूँ। और क्या बस चलाई है ड्राइवर ने, इतनी तेज़ लेके आया ना, एक बार तो ऐसा लगा कि फरीदकोट नहीं है, कहीं और ही ले जाके छोड़ेगा। सच में बड़ी तेज़ लेके आया बस ये। वैसे तो नॉर्मली कोटपुरा से फरीदकोट अगर हम बस में जाते हैं तो आधा घंटा लगता है, ये भैया 5 मिनट में ले आया, इतनी तेज लेके आया बस। कुछ भी ये 5 मिनट कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो। और बहुत बड़ा बस स्टैंड है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो बस स्टैंड से गुरुद्वारा का रास्ता है सिर्फ 5 मिनट का, तो वहाँ तक मैं पैदल ही जाऊँगा, क्योंकि रिक्शे जितने तो पैसे मैं लेके नहीं आया, गरीब बंदा हूँ भाई मैं। तो हमें जाना है वहाँ पे, सामने है एग्जिट। या मैं हूँ इस टाइम तिरंगा चौक में, और इस जगह को तिरंगा चौक क्यों कहते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 50-50, 100-100 रुपये में टैटू बनवाते ना, इनके पास कभी भी मत जाना, क्योंकि बड़ा ख़राब काम होता है इनका। ना ये हाइजीन मेंटेन करके रखते, इंक वगैरह और नीडल वगैरह भी बहुत पुरानी होती है इनके पास, वही बार बार यूज़ करते रहते हैं, तो आपको ही नुकसान है। कभी भी इनके पास मत जाना, हमेशा जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं इनके पास ही जाओ। We'll be right back.
एकदम बढ़िया वाले दर्शन मैं कर आया हूँ। और एक चीज़ यहाँ की बड़ी खास है, अगर आप पहले आए हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो शांति और पीस यहाँ पे आके मन को मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। अगर आप नहीं आए हो तो ज़रूर एक बार यहाँ पे विज़िट करना। और अब मुझे लगता है कि मुझे ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है पहले बाबा फरीद जी के। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।